you कैसे हैं आप सब मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैं पी रही हूँ चाय चाय के साथ पढ़ रही हूँ अखबार मेरे बहुत पुरानी आदत है चाय के साथ अखबार पढ़ने की और जब तक चाय के साथ अखबार ना हो चाय में वो स्वाद नहीं आता है आप लोगों को अखबार पढ़ने की आदत है कि नहीं मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा वैसे तो न्यूज़ हमें टीवी या सोशल मीडिया से भी मिल जाती हैं लेकिन जो बात अखबार में होती है वो कहीं नहीं और मेरी आदत पार्थ में भी लग गई है और पार्थ को भी सुबह सुबह अखबार चाहिए ही चाहिए आप लोग बताइएगा आप मॉर्निंग टी के साथ क्या पसंद करते हैं प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा मॉर्निंग के लगभग साढ़े ग्यारह बजे हैं और ये भैया लोग आए हैं हम लोगों का एक ऑर्डर डिलीवर करने के लिए आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोगों ने क्या डिलीवरी मंगाई है तो जी हाँ फ्रेंड्स हम लोगों ने मंगाया है ये एल ई काफ़ी टाइम से हम लोगों का टी ख़राब था पहले हम लोगों के पास वो वाला टीवी था जो कि स्टैंड पे रखा जाता है पुराने स्टाइल वाला और काफ़ी टाइम से लेना भी था लेकिन हम लोग इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि पार्थ के इस साल बोर्ड एग्ज़ाम थे अब बोर्ड एग्ज़ाम तो कैंसिल हो ही गए हैं तो हम लोगों ने सोचा चलो एलईडी टीवी मंगा ही लेते हैं तो यहाँ पे वाई से इसे कनेक्ट कर दिया है और भैया हम लोगों को चला के दिखा रहे हैं कि टीवी ये सही है सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है तो वही मेरे हस्बैंड चेक कर रहे थे कि टीवी ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है और भैया उन्हें समझा रहे थे क्या क्या करना है वैसे तो सबको पता ही होता है लेकिन उनसे समझ लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है और यहाँ पार्थ भी आ गया है क्योंकि घर में कोई चीज़ आती है तो बच्चे ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं खुशी तो मुझे भी बहुत हो रही थी घर में कोई भी नई चीज़ आए तो अच्छा तो लगता ही है और फिर अपनी खुशी आप लोगों से बांटनी तो बनती ही है भैया लोगों के जानने के बाद मैंने पार्थ से कहा कि मेरा चैनल चलाओ इस टीवी पे तो मैंने पार्थ का बर्थडे वाला ब्लॉग चलाया है और अपने चैनल के वीडियो को इतनी बड़ी स्क्रीन पर देखना बहुत ही अच्छा लग रहा था वैसे तो मैंने हमेशा मोबाइल स्क्रीन पर ही देखा है कभी कभार अपने हस्बैंड के लैपटॉप में भी देखा है लेकिन इतनी बड़ी स्क्रीन पे अपने वीडियोस देखना बहुत ही अच्छा लग रहा था आप लोग गाइस बताइएगा कि आप लोग मेरे वीडियोस या बाकी जो यूट्यूब के वीडियोस होते हैं किस पे देखते हैं मोबाइल पे देखते हैं या लैपटॉप पे देखते हैं या अपने घर के एल सी तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और देखिए पार्थ का बर्थडे व्लॉग आप लोग फिर से देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है बर्थडे व्लॉग तो प्लीज़ एक बार जरूर देखिएगा चैनल पे जाके और अब मैं जा रही हूँ किचन में अपना लंच बनाने के लिए यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ लंच बनाने की मैंने थोड़ी सी तैयारी पहले ही कर ली थी मैंने लौकी को कद्दूकस कर लिया है जी हाँ मैं बनाने जा रही हूँ आज लौकी का रायता लौकी का रायता मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसके लिए मैंने लौकी को कद्दूकस कर लिया है और कुकर गैस पर चढ़ा दिया उसमें डाल दिया है एक चम्मच के लगभग सरसों का तेल अब मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा और हींग लौकी के रायते में हींग जीरे का तड़का बहुत ही अच्छा लगता है हींग और जीरा जब अच्छे से चटक जाएगा तब मैं डालूँगी इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी जिससे कि रायता ज़्यादा तीखा ना हो जाए हरी मिर्च है ये बस रेड हो गई है क्योंकि दो तीन दिन पुरानी है ये और जब हरी मिर्च भी अच्छे से हो जाएगी तब मैं इसमें डाल दूँगी कद्दूकस करी हुई लौकी लौकी का रायता मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सारे रायते एक तरफ और लौकी का रायता एक तरफ लौकी का रायता बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे घर में सभी को और यहाँ पे मैंने डाल दी है लौकी और लौकी को तेल और छौक के साथ मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसमें डाल दूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक गाइस आप लोगों का कौन सा रायता पसंद है मुझे तो लौकी का रायता बहुत ज़्यादा पसंद है इसके अलावा खीरे का रायता भी अच्छा लगता है गर्मियों में और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक नमक डालने के बाद इसे भी मैं अच्छे से लौकी के साथ मिक्स कर दूँगी और इसमें लगभग डालूँगी एक चम्मच पानी भाप बनने के लिए और फिर कुकर को बंद करके और इसमें एक से दो सीटियाँ लगाऊंगी जिससे लौकी हमारी अच्छे से पक जाएगी लौकी जब पक जाएगी उसके बाद मैं अपनी सब्जी की तैयारी करूंगी उसी कुकर को मैंने खाली कर लिया उसे साफ़ कर लिया और इसमें डाल दिया दोबारा से सरसों का तेल और अब मैंने इसमें हींग जीरा डाल दिया है तड़के के लिए हींग जीरा मेरा अच्छे से चटक गया है तो अब मैं डालूँगी इसमें चॉप किया हुआ प्याज और आज मैं आपको बता देती हूँ कि क्या बना रही हूँ मैं आज मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी यहाँ पे मैंने दो मीडियम साइज़ के प्याज को चॉप कर लिया था अब मैं इसे तेल में डाल के और अच्छे से फ्राई कर लूँगी जब तक कि ये गोल्डन कलर का ना हो जाए प्याज को फ्राई करने के बाद मैं इसमें डालूँगी किचन के बेसिक मसाले जिसमें मैंने हल्दी पाउडर धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर और गर्म मसाला लिया है मसालों को भी अच्छे से मैं भूनूंगी जब तक ये तेल ना छोड़ दे मसाले मेरे अच्छे से भुन गए हैं अब मैं डाल रही हूँ चॉप किए हुए टमाटर टमाटर मैंने लिए हैं दो मीडियम साइज़ के और इसके साथ मैंने एक हरी मिर्च को भी चॉप कर लिया है इसको भी मैं अच्छे से मसाले के साथ भून लूँगी और टमाटर को मैं तब तक भूनूंगी जब तक कि ये अच्छे से तेल ना छोड़ दे और गैस चॉपर मंगाने से प्याज और टमाटर की चॉपिंग बहुत ही ईजी हो गई है इससे काफ़ी हेल्प हो जाती है और काफ़ी जल्दी चॉपिंग हो जाती है यहाँ पे मैंने मसाले में ऐड कर दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक नमक को भी मैंने मसाले में अच्छे से मिक्स कर दिया है अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी कसूरी मेथी को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है कसूरी मेथी से सब्जी में एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है कसूरी मेथी को भी मैं सब्जी के मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर दूँगी और मसाले को अब कुछ देर तक पकने दूंगी मसाले ने अच्छे से तेल छोड़ दिया और देखें कितना अच्छा कलर आया है अब मैं यहाँ पे इसमें डालूंगी कटे हुए आलू आप लोग चाहे तो बॉयल्ड आलू को भी डाल सकते हैं लेकिन आज मैं कटे हुए आलूओं से सब्जी बनाऊंगी आलूओं को मसाले में ऐड करने के बाद आलू और मसाले को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी और आलूओं को इसी तरह से मसाले में पकने दूँगी पानी अभी ऐड नहीं करूँगी लगभग पाँच से सात मिनट तक मसालों के साथ आलूओं को ऐसे ही पकने दूंगी जब तक कि आलू लगभग थर्टी परसेंट ऐसे ही गल जाएंगे उसके बाद में इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करूंगी और पानी इतना ही ऐड करें जितने कि आपको आलू टमाटर में ग्रेवी चाहिए हो तो मैंने ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं चाहिए है ठीक ठीक ग्रेवी चाहिए तो मैंने यहाँ पे पानी को अपने अकॉर्डिंग ऐड कर दिया है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी और कुकर में लिड लगा दूंगी कुकर बंद करने के बाद लगभग दो से तीन सीटियाँ लगाऊंगी इससे मेरी सब्ज़ी अच्छे से पक जाएगी इधर मेरी सब्जी बन रही है और यहाँ पे मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया है रायते के लिए देखिए दही को मैंने बहुत पतला नहीं किया है गाढ़ा गाढ़ा ही फेंटा है इससे हमारा रायता बहुत ही टेस्टी बनेगा दही में मैंने कुछ भी नहीं डाला है प्लेन दही है क्योंकि बाक़ी का जो भी मसाला था मैंने लौकी में डाल दिया और ये लौकी मेरी ठंडी हो गई है लौकी को हमेशा ठंडा करके ही दही के साथ मिक्स करें अगर गरम गरम लौकी मिक्स कर देंगे तो दही हमारी फट सकती है लौकी को मैंने दही के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया एकदम एकसार कर दिया है और देखिए कितना टेस्टी रायता बन के तैयार हुआ है अब मैं बना लूँगी गर्मा गर्म रोटियाँ और सबको सर्व करूँगी यहाँ मैंने प्लेट लगा दी अपने हस्बैंड के लिए आलू टमाटर की सब्जी लौकी का रायता और लिया है अचार मेरे हस्बैंड को अचार बहुत पसंद है वो खाने के साथ अचार जरूर लेते हैं और साथ में दी हैं गर्मा गर्म रोटियाँ तो गायस कैसा लगा हम लोगों का लंच आपको बहुत ही टेस्टी लगा था सभी को आलू टमाटर की सब्जी और लौकी का रायता सबको बहुत पसंद आया था आप लोग भी देखिए चक के आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे दोपहर को खाना खाने के बाद मैं सो गई थी एक से डेढ़ घंटे के लिए अब शाम हो चुकी है आपसे आज मैंने बिल्कुल भी बात नहीं करी तो मैंने सोचा आपसे थोड़ी बातें कर ली जाए फ्रेंड्स इस समय इतना क्रिटिकल टाइम चल रहा है कोरोना बहुत बुरी तरह से फैल रहा है सब लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं पैनिक कर रहे हैं तो बस आपसे मुझे यही बात करनी थी हम लोगों को घबराना बिल्कुल भी नहीं है पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है और बस ये गुरु मंत्र याद रखना है कि हमें जितना संभव हो सके घर पे ही रहना है और बहुत ही मजबूरी हो बहुत ही जरूरी काम हो तभी बाहर जाना है और घर पे रह के क्या करना है घर पे रह के हमें अपने मनपसंद काम करने हैं जैसे कि अपना मनपसंद म्यूजिक सुने जो भी मूवी आप लोग देखना चाहते हैं आपको पसंद है उन्हें देखें जिससे कि आपका मन खुश हो अपने बच्चों के साथ टाइम बिताएं कुछ एक्टिविटी करें उनके साथ इंडोर गेम्स खेलें और अच्छा अच्छा खाना बना के खाएं और बच्चों को खिलाएं और हाँ सबसे जरूरी बात है कि अपने बच्चों को भी अपने साथ किचन में कुछ सिखाएं जिससे कि आपकी तो हेल्प होगी ही होगी बच्चों को भी कुछ सीखने को मिलेगा और क्या करना है अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है इसके लिए हमें क्या करना है कि अगर हम चाय वगैरह पीते तो उसमें अदरक लौंग इलायची ये सब डालना है फ्रेंड्स ये सब बातें आपको पता है लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ जैसे कि जिनको नहीं भी पता है वो भी जान सकें और जितने विटामिन सी से भरपूर फ्रूट्स हैं वो हमें खाने हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो सूर्योदय के समय धूप आती है ऐसा नहीं है नौ दस या ग्यारह बजे की धूप जो सूर्योदय के समय धूप आती है वो हमें लगभग आधे घंटे धूप लेनी है जिससे कि हमें विटामिन डी मिलेगी और क्या करना है हम लोगों को इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के जो भी आपको पता हो पाए वो सब करने हैं घर पे ही रहना है योगा वगैरह करते रहिए और खूब खुश रहिए घर वालों के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए तो यही सब हम लोग पिछले साल से कर ही रहे ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और बाहर घूमना फिरना तो हम लोगों ने काफी टाइम कर ही लिया है और आगे जब स्थिति सही हो जाएगी तब भी कर लेंगे तो घर पे ही रहें मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि घर पे रहें अपने आप को सुरक्षित रखें घर वालों को सुरक्षित रखें अपना और अपनों का ध्यान रखें इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड कर रही हूँ मेरा वीडियो जरा भी पसंद आया तो प्लीज उसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर नए है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय और गाइस मैं बाय कह रही हूँ लेकिन आप लोग अभी जाइएगा मत मैंने कल रात में छोटी सी क्लिप शूट करी थी उसको देख के ही जाइएगा ओके बाय फ्रेंड्स